महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इंतजार विभागों के बंटवारे का था, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये देरी नेताओं की पार्टियों से दूरी बना रही थी, इसलिए इस बगावत को थामने के लिए आखिरकार अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तो किसे मिला कौन सा विभाग, मलाईदार विभागों पर किसने किया कब्जा, मंत्रिमंडल में कौन है किस पर भारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जब से चुनावी नतीजे घोषित हुए हैं, हर मामले में देरी हुई है। पहले सरकार गठन में देरी, फिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और अब विभागों में देरी। जी हां, काफी लंबे इंतजार के बाद अब जाकर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बंटवारे को मंजूरी दे दी है। जिस मंत्रालय पर सबकी निगाहें टिकी थी, वो एनसीपी नेता शरद पवार को सौंपा गया है। डिप्टी सीएम की कमान संभालने के बाद अब अजीत पवार वित्त मंत्री भी बन गए हैं। वहीं गृह विभाग की कमान भी एनसीपी नेता अनिल देशमुख को मिली है। एनसीपी के ही छगन भुजबल को उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। धनंजय मुंडे को सामाजिक न्याय मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। नवाब मलिक को अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट के हाथ राजस्व विभाग की कमान है। अशोक चौहान को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पर्यटन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, जबकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री बने हैं, यानी गृह, वित्त, रेवेन्यू, हाउसिंग, पब्लिक वर्क और वाटर रिसोर्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग एनसीपी और कांग्रेस के पास गए हैं, जबकि शिवसेना को कम ओहदे वाले विभागों से संतोष करना पड़ा है। इस बात को लेकर शिवसेना नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के करीब एक दर्जन नेताओं ने इस बंटवारे पर नाखुशी जाहिर की है। यहां तक कि कई नेता तो पार्टी का साथ भी छोड़ चुके हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार का नाम भी उसमें शामिल था, लेकिन शिवसेना ने उन्हें राजस्व, ग्रामीण विकास, बंदरगाह, भूमि विकास और विशेष सहायता राज्य मंत्री बनाकर बना लिया। अब सीएम उद्धव ने एक नेता को तो खुश कर दिया, लेकिन नाराजगी का ये दौर अभी थमता नहीं दिख रहा। पार्टी में उठ रहे ये बगावत के सुर महागठबंधन सरकार को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अखाड़ी सरकार कैसे तालमेल बैठाकर 5 साल तक सत्ता में बरकरार रहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।